नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएफ का फुल फॉर्म सामान्य अर्थ है व प्रयोग। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको आईई का फुल फॉर्म सामान्य अर्थ है व प्रयोग समझाया था। यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक आई बटन पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सीएफ का फुल फॉर्म। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह है कन्फर होता है। सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्फर होता है, जिसमें या जिसका इंग्लिश में प्रयोग है कंपेयर के रूप में और हिंदी में तुलना में करती है। जिसका प्रयोग हम इंग्लिश में कंपेयर के लिए और हिंदी में तुलना के लिए करते हैं। जब हम दो कथनों को, कितने कथनों को? दो कथनों को, जब हम दो कथनों को तुलना, दो कथनों की तुलना करते हैं, उनमें श्रेष्ठता, कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है, इसके बारे में बात करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सीएफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीएफ का। कितने कथनों को? दो कथनों को। मैं तुलना श्रेष्ठता के बारे में बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? सीएफ का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो कथन लिखे हुए हैं, एक राजा सुंदर है, दूसरा कथन है राजा बहुत सुंदर है। तो इन कथनों के मध्य तुलना की जाए तो इन कथनों में कहा जा रहा है कि इसमें मात्र सुंदरता बताई जा रही है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि राजा बहुत सुंदर है। तो एक कथन, इन कथनों के बारे में हमने तुलना की तो हमने पाया कि राजा इस, यह वाला जो राजा है वह इस राजा से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार दो कथनों के मध्य तुलना करने के लिए हम सीएफ का प्रयोग करते हैं। सीएफ का फुल फॉर्म कन्फर होता है, जिसमें हम, जिसका प्रयोग इंग्लिश के लिए कंपेयर में और हिंदी के लिए तुलना के रूप में करते हैं। जिसमें हम इंग्लिश में कंपेयर और हिंदी में तुलना के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम दो कथनों की मध्य तुलना करते हैं तो हम वहां पर सीएफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीएफ का। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।